हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पहले वीडियो में जो आपका प्यार मिला, आपके कमेंट्स मिले, उसके लिए हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं ताकि वो प्यार बना रहे और आपको भी अच्छे से पता चले कि भाई बाइक में क्या कमियां हैं, क्या फ़ायदे हैं बाइक में, कैसी लुक है, क्या प्राइस है, सब कुछ। जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपने कमेंट्स में पूछी थी, उन सब के ऊपर हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात, बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट थे कि इसका प्राइस बताओ कि प्राइस क्या है, प्राइस ऑन रोड कितने की पड़ेगी, एक्स शोरूम प्राइस क्या है। तो एक्स शोरूम प्राइस है इसका 1,04,000 और 1,07,000। दिल्ली में वही प्राइस है 1,00,000 और 1,03,000। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, कहाँ से रहते हो, ठीक है। उसके बाद जो 1,04,000 और 1,07,000 है, उसके अंदर आपका ऐड होगा आरटीओ, जो कि 8,000-8,500। डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में आरटीओ टैक्स कितना है, ठीक है। दूसरा, उसके उसमें इंश्योरेंस में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 1+4, मतलब 1 में कि फर्स्ट ईयर आपकी जीरो डेप्थ रहेगी, सेकंड ईयर से आपकी थर्ड पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, और 5+5, जिसमें 5 साल फर्स्ट पार्टी और 5 साल थर्ड पार्टी रहेगी। लेकिन दोनों के डिफरेंस है, जो 1+4 मिलेगा वो आपको 8,000 में मिलेगा, और जो 5+5 है वो आपको 13,000 में मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो कि आपका बजट क्या है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं बोलूँगा आपको कि 5+5 लो, 5 साल तक दिक्कत ही ख़त्म, ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि आप इसके कलर्स के बारे में बताओ। तो 3 कलर मिल रहे हैं आपको, रेड, ब्लू और वाइट। मेरा पर्सनल फेवरेट रेड है, तो मैंने रेड बाइक को सिलेक्ट किया। आपको वाइट भी अच्छा लग सकता है, किसी फ्रेंड को ब्लू भी अच्छा लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको कैसे कलर पसंद है। उसके बाद तीसरी, काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि लेग गार्ड के बारे में, कि भाई कंपनी ने इसमें लेग गार्ड क्यों नहीं लगाया बाइक में। तो देखो, क्यों नहीं लगाया वो तो कंपनी ही बताएगी आपको। बाकी ये है कि आपको शोरूम में भी अभी अवेलेबल नहीं है, कंपनी प्रोवाइड भी नहीं कर रही। जो इसकी मैनुअल है, जो इसकी बुक है, उसमें आपको नहीं मिलेगा कि लेग गार्ड है। बाकी देखो, एक छोटी सी चीज़, इसका एयर कूल, आप शायद वीडियो में पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से हवा जाएगी और आपका इंजन ठंडा हो जाएगा। ये मेरे को बेस्ट लगा भाई, ये सेक्सी बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो लेग गार्ड का यही है कि आप आफ्टर मार्केट करा सकते हो, कंपनी फ़िलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर आगे प्रोवाइड करेगी तो हम आपको बता देंगे उसके बारे में। कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे ग्रैब रेल के बारे में, ग्रैब रेल स्ट्रॉन्ग है या ऐसी ही बनाई हुई है। तो देखो, ग्रैब रेल काफ़ी कम्फर्टेबल है, पकड़ने में स्ट्रॉन्ग भी दिखती है, बाकी आपको कुश्ती तो करनी नहीं है इसके साथ। तो ये है कि ग्रैब रेल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे कि इसमें फुट रेस्ट क्यों नहीं है। तो देखो, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, जो नेक्ड वर्जन होता है, तो कंपनी उसमें प्रोवाइड नहीं करती फुट रेस्ट, ठीक है। वो आप आफ्टर मार्केट कुछ भी लगवा सकते हो, जो आपको मिले आफ्टर मार्केट वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है। बाकी कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि भाई जो इंडियन लेडीज़ है वो एक तरफ पैर करके बैठ सकती है, तो हाँ आराम से बैठ सकती है, उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सीट की कुशनिंग कैसी है, तो सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी आरामदायक है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी अपने बम में दर्द किए बिना, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास KTM 250 है, उसकी जो सीट है वो काफ़ी मतलब हार्ड है, उसको आप 50 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं कहीं पे, पर इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी दर्द के। बाकी जो इसकी हाइट है वो 790 मिलीमीटर है, मेरी हाइट 5'10" है, तो मेरे लिए तो इजी होगा, लेकिन जिस फ्रेंड की हाइट 5'4" 5'5" है, उसके लिए भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे कि इसका ओवरऑल डिज़ाइन कैसा है, कि मतलब कैसी दिखती है बाइक। तो आप देखो, बाइक बड़े शानदार है, किसी भी एंगल से आप बाइक को देखो, आपको बाइक अच्छी लगेगी, दूसरों को देखने पर लगेगा कि हाँ भाई क्या बना दिया, बट जब ध्यान से देखेंगे तो बाइक आपको बेस्ट लगेगी हर एंगल से, हर तरफ से। इसके कर्व्स काफ़ी शानदार दिए हुए हैं, बट थोड़ा सा ना ये पीछे वाला सेक्शन है, जो ये जो आगे वाले कंपैरिजन में पीछे वाला सेक्शन थोड़ा सा पतला है, वो चीज़ थोड़ी सी हो सकती थी कि उसको थोड़ा सा हैवी करके थोड़ी और अच्छी लुक हो जाती। उसके अलावा कुछ फ्रेंड इसकी टॉप स्पीड के बारे में पूछ रहे थे, तो टॉप स्पीड का मैं बता दूँ कि जो टॉप स्पीड है वो इसकी हमने अब तक जो निकाली है वो 110 किलोमीटर पर आर की स्पीड निकाली है।
115 120 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद ही उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, उस स्पीड पे जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई है। तो सब बोलते हैं कि भाई फ़र्स्ट सर्विस पे से पहले बाइक को ज़्यादा तेज़ ना चलाओ, बाइक को भगाओ मत। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अभी हमने जो उसकी टॉप स्पीड निकाली है वो 110 है। बाकी अगर हम इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि भाई राइड क्वालिटी कैसी है बाइक की। तो देखो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पोस्चर काफ़ी अच्छा है, आप लंबे रूट पे जा सकते हो बिना किसी थकान के, बिना किसी कमर दर्द के, बिना किसी बम के दर्द के। ठीक है ना, बम दर्द तो होता ही है अगर सीट हार्ड हो तो सीट की जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी है, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी दर्द नहीं होगा। आप 80 90 100 200 तो चला ही नहीं अभी, पर हाँ ये 100-150 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। बाकी अगर बात, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे कि भाई बाइक में वाइब्रेशन है या नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हीरो ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस बाइक पे। 90-100 जो हमने 110 चलाई है उसमें तो कोई वाइब्रेशन मिला नहीं है। Hmm.